Hi guys, welcome back to my channel. So, आज हम बनाने वाले हैं छोले। तो छोले बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ प्रेशर कुकर में व्हाइट वाले चने चढ़ा दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो बड़े प्याज चॉप कर लिए हैं बारीक, टमाटर मैंने यहाँ पे काट लिए हैं, लहसुन मैंने छील लिया, अदरक और दो हरी मिर्ची मैंने काट ली है और एक नींबू लिया है मैंने, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है। ये छोला मसाला है। सो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। तो जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है हम अदरक लहसुन को पीस लेंगे, कूट लेंगे एक साथ में। सो अदरक लहसुन हमने कूट लिया है, कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे तेल कढ़ाई में डाल दिए हैं। तेल गरम हो चुका है, इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें प्याज। प्याज हमने इसमें डाल दिया है। इसे थोड़ा चला लेंगे, करछी से घुमा लेंगे प्याज को अच्छे से। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्ची, कटी हुई हरी मिर्ची। तो अब हमें इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने तैयार किया था। 2 बड़े चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से चलाना है और भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने इसमें डाला था वो भून चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला देंगे, आपस में मिक्स कर देंगे अच्छे से। उसके बाद डालेंगे हम इसमें मसाले अपने। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, जितना तीखा आपको डालना है, खाना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी छोला मसाला 1/2 चम्मच बिल्कुल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरा मसाला आपस में मिल चुका है। अब गैस की फ्लेम हम लो करके इस मसाले को ढककर रख के पकाएंगे 2 मिनट। सो 2 मिनट हो चुके हैं गाइस। अब देखिए हमारा मसाला जो है टमाटर से गल चुके हैं, अब इसे घोटना है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे टमाटर इस मसाले में घुट रहे हैं, गल चुके हैं टमाटर। कच्ची से इसको घोट लीजिए मसाले को आपस में। अब हम इसे डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1/2 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है, 1/2 कप से भी बहुत कम पानी मैंने यहाँ पे लिया है, 3/4 मैंने यहाँ पे पानी लिया है कप को, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है मसाले में। अब देखिए मसाले में हमारे बबल्स आने लग गए हैं। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक पानी सारा मसाला सोख नहीं लेता और तेल नहीं छोड़ दिया। देखिए मसाले में तेल छोड़ चुका है, पानी सारा सूख गया है, सूख लिया है मसाले में। अब हम इसमें चने डालेंगे, उबले हुए चने जो हमने सीटी लगवाए थे प्रेशर कुकर में, वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। 1 से 2 मिनट पकाएंगे इसको। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, 1/2 कप पानी डाला है,
इसमें एक बॉईल आने देंगे। बॉईल आ चुका है, छोले हमारे बन करके तैयार हैं। छोले बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हैं गाइस। आप इसे किसी बाउल में ले लीजिए और हरा धनिया डाल के इसे सर्व कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।